हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय एग्जाम सॉल्यूशन। मैं प्रीति आज आपके लिए लेकर आई हूँ MSW001 ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क का सॉल्व असाइनमेंट 2022 एंड 2023। स्टूडेंट, ये सॉल्व असाइनमेंट उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने 2022 में जुलाई में एडमिशन लिया है। इसी के साथ स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपने असाइनमेंट कम्प्लीट करके सबमिट कर सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिन्हें आप केयरफुली रीड कर लीजिए, जिसमें बताया गया है कैसे आप अपने असाइनमेंट को कम्प्लीट करके सबमिट करेंगे। स्टूडेंट, अपने डिटेल भरते समय अपने रोल नंबर और कोर्स को ध्यान से भरें। इसी के साथ स्टूडेंट, यहाँ पर सबमिशन डेट भी आपको दी गई है कि कब तक आपको अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके सबमिट करना है। अकॉर्डिंग टू योर सेशन आप अपनी सबमिशन डेट चेक कर सकते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगी अगर आपको अपने सॉल्व असाइनमेंट के PDF एंड हैंड रिटन हार्ड कॉपी बाय करनी है, प्लेस करना चाहते हैं, तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है, आप व्हाट्सएप इंक्वायरी कर सकते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट, चलते हैं आपके असाइनमेंट की तरफ। सो स्टूडेंट, ये है आपका असाइनमेंट MSW001 ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क। स्टूडेंट, ये असाइनमेंट इग्नू स्टूडेंट के लिए है जो 2022 और 2023 में एडमिशन लिए हैं। अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए और अच्छे तरीके से समझने के लिए वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार देखें, जिससे आपको वीडियो अच्छे से समझ आए। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको दिया गया है आपका असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे आप अपना कोर्स कोड भी चेक कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस को एक बार केयरफुली रीड कर लीजिए। स्टूडेंट, यहाँ पे आपको बताया गया है आपको सारे आंसर्स नहीं करने हैं, सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सो स्टूडेंट, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द NASW कोड ऑफ एथिक्स? एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द NASW कोड ऑफ एथिक्स। आंसर आपको स्क्रीन पर दिया गया है। आंसर को नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार जरूर देखें। आप अपना आंसर रीड कर करके जरूर लिखें, जिससे आपको भी समझ आए। आंसर्स लिखते थे समय रीड जरूर करें, ताकि आपको पता रहे आप क्या लिख रहे हैं। इसी के साथ स्टूडेंट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन जर्नलिस्ट प्रैक्टिस, गिव रीजन एज टू व्हाई इट इज रिलेवेंट इन इंडिया। आंसर आपको नीचे दिया गया है। क्वेश्चन को भी कम से कम 2 बार रीड जरूर करें, ताकि क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाए, क्योंकि जितने अच्छे से आप क्वेश्चन समझ पाएंगे आंसर लिख सकते हैं। आंसर को भी मे बी कम से कम 2 से 3 बार रीड जरूर करें, ताकि लिखने के बाद आपको याद रहे आप क्या लिख चुके हैं असाइनमेंट में। इसी के साथ स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी एंड होता है। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 300 वर्ड इच। इसमें बताया है कम से कम 2 क्वेश्चंस के आंसर लिखिए कम से कम 300 वर्ड्स में। तो क्वेश्चन नंबर बी है ये, 3rd का पार्ट B। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ऑफरिंग सोशल वर्क थ्रू द डिस्टेंस मोड। तो आंसर आपको नीचे दिया गया है, आंसर को केयरफुली रीड कीजिए। वैसे स्टूडेंट, वर्ड लिमिट 300 वर्ड है, बट अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग पावर आप एक्स्ट्रा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट आंसर को रीड करके ही लिखें, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इसी के साथ स्टूडेंट, यह है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट C। डिफाइन केस वर्क। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ केस वर्क इन कॉन्टेम्प्री सोसाइटी। आंसर आपको नेक्स्ट पेज पर दिया है। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर कॉपी कर सकते हैं, अच्छे से रीड कर ले, ताकि आपको समझ आए।
इसी के साथ स्टूडेंट ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड ईच. आपको किसी फोर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कम से कम 150 वर्ड में. सो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए है ब्रीफली राइट अबाउट सोशल वर्क इन अ पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी. आपको एक नोट लिखना है सोशल वर्क के ऊपर पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी के तौर. आपको आंसर कम से कम 150 वर्ड्स में देना है. तो आप ये लिख सकते हैं आंसर आपको नीचे दिया गया है. होप स्टूडेंट आपको वीडियो समझ आ रही हो, आंसर्स आपको समझ आए हो. इसी के साथ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी ये है लिस्ट द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ सोशल एक्शन एक्सप्लेन एनी वन. सो आंसर आपका नीचे दिया गया है. आंसर को फिर से रीड कर करके लिखें. हेडिंग के साथ लिखे जैसे इसमें दिया गया है एलिमेंट्स ऑफ सोशल एक्शन. इसी के साथ यह है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी एक्सप्लेन सोशल जस्टिस विथ रिलेवेंट एग्जांपल. सोशल जस्टिस को आपको एग्जाम के साथ एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ. सो आंसर यह है आपका. इसी के साथ स्टूडेंट यह है आपके क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 डिड सोशल वर्क इन अफ्रीका कंट्रीब्यूट टू अ बेटर सोसाइटी एक्सप्लेन. आंसर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं वीडियो को पॉज कर करके. सो स्टूडेंट ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 वर्ड ईच. आपको किसी 5 क्वेश्चन के शॉर्ट नोट लिखने हैं मैक्सिमम 100 वर्ड्स में. सो इसका पार्ट ए है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल वर्क. आपको सोशल वर्क के ऑब्जेक्टिव पर कम से कम 1000 वर्ड में एक नोट लिखना है. आंसर आपका नीचे दिया गया है. पार्ट बी है एडवांटेज ऑफ ग्रुप वर्क. आपको ग्रुप वर्क के एडवांटेज लिखने हैं. आंसर आपको नीचे दिया गया है. पार्ट सी है स्टूडेंट फ्रेंडली विजिटर्स. इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है. इसी के साथ पार्ट 4 है स्किड मोर डेफिनेशन ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन. आंसर आपको नीचे दिया गया है. स्टूडेंट ये आंसर पॉइंट टू पॉइंट में है तो आप पॉइंट टू पॉइंट लिखिए जिससे आपका आंसर अच्छा लगे आपको समझ आए. इसी के साथ पार्ट 5 है सोशल वर्क रिसर्च. आपको सोशल वर्क रिसर्च के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है. आंसर आपका दिया है. इसी के साथ स्टूडेंट आज का असाइनमेंट आपका यहीं पर एंड होता है साथ साथ ये वीडियो भी. आई होप आपको वीडियो समझ आई हो अच्छी लगी हो. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स. मैं मिलती हूँ आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में. इसी के साथ स्टूडेंट मैं एक बार आपको फिर बताना चाहूँगी अगर आपको सॉल्व असाइनमेंट और हार्ड कॉपी हैंड रिटन चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं. व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे दिया गया है. कोई भी क्वारी हो तो आप व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट.